आखिरकार जिया और अभिषेक को क्यों अलग करना चाहते हैं। तो मुझे भी इस बात के ऊपर काफी ज्यादा शॉक हुआ कि यार इतनी अच्छी केमिस्ट्री है, लोग इतना ज्यादा पसंद कर रहे हैं, मेकर्स को टीआरपी भी मिल रही है, पर मेकर्स फिर भी इनके बॉन्ड में उंगली क्यों लगा रहे हैं और इनको अलग क्यों कर रहे हैं। तो मैंने बहुत ही ज्यादा बारीकी से सब चीजें देखा और मतलब कि मैंने सोशल मीडिया पर भी देखा इन दोनों का, मतलब टॉप टू अगर देखा जाए तो ये दोनों ही टॉप टू में मतलब कि आ जाती हैं और इनके ज्यादा टैग्स हैशटैग्स जो है चलते हैं, लोग इनके बारे में ज्यादा चर्चा करते हैं। हालांकि इनके हैशटैग्स टैग्स कितने चले हैं अब तक वो मैं आने वाली वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी, पर यहां पर ना मेरी एक राय है, मैं एक बात बताना चाहती हूँ आपको, तो आप भी उसको ध्यान से सुनिए और आप क्या बोलना चाहते हैं इस वीडियो के लास्ट में आप अपने विचार मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। जहां पर अभिषेक है, अभिषेक के बारे में काफी ज्यादा बात हो रही है, लोग जो है बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं अभिषेक को, अभिषेक की पर्सनालिटी लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ रही है। वहीं पर अगर देखा जाए तो जिया की भी पर्सनालिटी लोगों को पसंद आ रही है, इसलिए सोशल मीडिया पर इन दोनों का नाम जो है ज्यादा एक्चुअली में चर्चा में है। तो अभी भाई अगर ये दोनों ही मतलब कि अच्छा से साथ में हैं, अच्छा बॉन्ड शेयर कर रहे हैं, क्या मालूम आगे मतलब कि प्यार भी हो जाए इनमें और मतलब कि लोग और भी ज्यादा इनको पसंद करने लग जाए, तो ये लवी डवी वाला टॉप टू नहीं चाहते हैं मेकर्स कि हाँ भाई लवी डवी वाला टॉप टू आए। मेकर्स जो है चाहते कि अगेंस्ट हो ये दोनों, मतलब कि जिया अगेंस्ट हो, अभिषेक अगेंस्ट हो, इनके अकॉर्डिंगली ही चले पर अगेंस्ट हो, फैन वॉर चले, जिया के फैंस अभिषेक को गालियां दे, अभिषेक के फैन जिया को गालियां दे, ये दोनों जो है अपनी अपनी जगह पर सही रहे, अपने फैंस की वजह से सही रहे, उनके फैंस जो सपोर्ट करें, ये सब चीजें जो है मेकर्स चाहते कि ऐसा होना चाहिए, तभी टॉप टू में अगर ये दोनों साथ में हो तो ये डिसाइड हो जाएगा कि भाई यही टॉप टू है और इनमें से ही एक जीतेगा। तो वहां पर मेकर्स का तो आप लोगों को पता है कि मेकर्स जो है जिसको जिताना चाहते हैं उसको जिताते हैं और ये सब चीजें अभी थोड़े बहुत सालों से जो है हमें देखने के लिए मिली है, हमारा दिल हमेशा हर साल जो है वो टूटता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसीलिए ये अगेंस्ट करना चाहते हैं, साथ में रख के ये नहीं करना चाहते क्योंकि साथ में एक ही वो हो जाएगी पब्लिक, तो साथ में नहीं देखना चाहते, अगेंस्ट देखना चाहते कि अगेंस्ट हो गए फैन मारो, लोग लड़े, लोग इस तरीके से एंटरटेन हो, पर लोगों को जो पसंद है वो चीज एक्चुअली में मेकर दिखाना नहीं चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है। आप क्या बोलना चाहेंगे, आपको ऐसा लगता है या आपका कुछ मतलब कि कुछ और आइडिया कि मेकर्स कुछ इस तरीके से कर सकते हैं या इसलिए कर रही है, तो बताओ आप भी अपना जो आपका सुझाव है जो आप जिस तरीके से देख रहे हो उसके बारे में भी मुझे बताओ। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।